हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। देयर आर सम केमिकल्स विच आर फॉर्म बाय कॉमन साल्ट। द फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज NaCl। NaCl इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल इन द प्रिपरेशन ऑफ मैनी केमिकल्स। सच केमिकल्स देयर केमिकल्स फॉर्मूलाज एंड कॉमन नेम्स गिवन बिलो। फर्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, chemical formula NaOH, common name caustic soda. Second, sodium carbonate decahydrate, its chemical formula Na2CO3.10H2O and its common name washing soda. Third, sodium bicarbonate NaHCO3, common name baking soda. Fourth, calcium oxychloride CaOCl2, common name bleaching powder. Fifth, calcium sulfate hemihydrate, chemical formula CaSO4.12H2O, common name plaster of Paris. Sixth, calcium sulfate dihydrate, chemical formula CaSO4.2H2O, common name gypsum. Students, in nature NaCl found in two form. First form, common salt. Common salt means white substance that is found in sea water, यानी कि समुद्र के पानी में से जो हम salt या नमक लेते हैं वो आपका common salt कहलाता है। Rock salt या halite, large crystal of NaCl are often brown due to the impurities, this is called rock salt, यानी कि NaCl के जो large crystal बन जाते हैं, NaCl जब लार्ज क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाता है और उसका कलर वाइट ना होकर कलरफुल होता है, ब्राउन होता है, और वो ब्राउन कलर इम्प्योरिटीज़ की वजह से होता है, तब उसको हम रॉक साल्ट बोलते हैं। ओके, बट कॉमन साल्ट एंड रॉक साल्ट दोनों का ही फॉर्मूला NaCl है। कॉमन साल्ट इज़ एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस केमिकल्स। ओके, now we will discuss about chemicals one by one. First, sodium hydroxide, common name caustic soda, MOP, method of preparation. When an electric current is passed through an aqueous solution of sodium chloride, yani aqueous solution of sodium chloride is known as brine, it produces hydrogen gas at cathode and chlorine gas at anode. The solution obtained in the cathodic compartment contains sodium hydroxide. This solution is taken out and concentrated to get solid sodium hydroxide. It is also called chloralkali process. Why it is known as chloralkali process? Because इस process में बनने वाले जो product हैं वो एक क्लोरीन होता है, क्लोरीन गैस बनती है। सेकंड NaOH, यानी कि NaOH क्या है, एक एल्कली है, तो इसमें जो प्रोडक्ट है वो एक एल्कली और एक क्लोरीन गैस है, इसलिए हम इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। जब किसी इलेक्ट्रिक करंट को NaCl के एक्वा सोल्यूशन में पास कराया जाता है तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है और कंटेनर में सोडियम हाइड्रोक्साइड बचता है जिसको कंसंट्रेट करके उसको सॉलिड फॉर्म में ले लिया जाता है। यही प्रोसेस से क्या बनता है, कास्टिक सोडा बनता है। और व्हाट इज़ कैथोड एंड एनोड इन दिस प्रोसेस? देखिए, ये पूरी प्रोसेस कराने के लिए हम एक कंटेनर का यूज़ करते हैं, उस कंटेनर को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कंटेनर बोलते हैं, और ये पूरी प्रोसेस जो कहलाती है वो एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस भी कहलाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या करते हैं, हम एक कंटेनर लेते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, ठीक है, जिस इलेक्ट्रोड का कनेक्शन हम बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से करते हैं हम उसको कैथोड कहते हैं, और जिसका कनेक्शन हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करते हैं हम उसको एनोड कहते हैं। ओके, जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है तो जो NaCl है वो Na पॉजिटिव आयन और Cl निगेटिव आयन यानी कि क्लोराइड आयन में ब्रेक डाउन होता है, और वाटर H पॉजिटिव आयन और OH आयन इनकी हाइड्रोक्साइड आयन में डिकम्पोज होता है। क्लोराइड आयन अपने अपोजिट चार्ज एनोड की ओर मूव करता है,
एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोराइड आयन पर निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए क्लोराइड आयन एनोड की तरफ मूव करता है और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोजन आयन अपने अपोजिट चार्ज वाले कैथोड पर मूव करता है, कैथोड पर निगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए ये कैथोड की तरफ मूव होकर हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से कैथोड पर H2 और एनोड पर क्लोरीन गैस मिलती है। कंटेनर में NaOH और OH आयन बसते, Na पॉजिटिव आयन और OH निगेटिव आयन बसते हैं जो NaOH बना लेते हैं। इस सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करके कंटेनर से सॉलिड फॉर्म में बाहर ले लिया जाता है, यही हमारा NaOH है। इसकी रिएक्शन नीचे दी गई है, देखिए NaCl रिवर्सिबल एरो, Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। NaCl डिकम्पोज होकर क्या देता है, Na आयन और क्लोराइड आयन देता है। इसी तरह से वाटर, सेकेंड रिएक्शन में वाटर डिकम्पोज होता है, क्या देता है, एच आयन और ओ एच आयन देता है। अब कैथोड पर कौन सी प्रोसेस होती है, एट कैथोड एच पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेकर किसे बदल जाता है, एच में, जो कि अनस्टेबल है, और यही एक एच यानी कि हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, H2, यानी कि H2 एक मोलिकुलर फॉर्म, और H2 की मोलिकुलर फॉर्म एक गैसेस फॉर्म में होती है। इस रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाया गया है, 2H पॉजिटिव प्लस 2H इलेक्ट्रॉन एरो 2H जो कि अनस्टेबल है, और ये 2H किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2 में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट एट एनोड क्लोराइड आयन क्या करता है, अपना एक निगेटिव चार्ज एनोड को दे देता है, 2Cl निगेटिव कन्वर्ट हो जाता है 2Cl में जो कि अनस्टेबल है, यही 2Cl चेंज होता है किसमें, Cl2 में, जो कि एक स्टेबल फॉर्म है। ओके, इन दोनों रिएक्शन को हम ऐड करके भी दिखा सकते हैं। ओवरऑल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो, 2NaCl प्लस H2O एरो 2NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ एक नोट पॉइंट दिया हुआ है ब्राइन के लिए, ब्राइन इज ए हाई कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ साल्ट इन H2O। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ NaOH, नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ NaOH। इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉप एंड डिटर्जेंट्स, इट इज़ यूज इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, इट इज़ यूज इन द प्योरीफिकेशन ऑफ बॉक्साइड और, इट इज़ यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इट इज़ यूज इन पेपर इंडस्ट्रीज। एंड स्टूडेंट लास्ट आपके लिए प्रैक्टिस वर्क है, विच इज़ बेस्ड ऑन प्रीवियस टॉपिक, जो आपके पहले पढ़े हुए टॉपिक हैं उस पर है, आप इनको घर पर प्रैक्टिस करिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम वन नेचुरल सोर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट सिट्रिक एसिड, सेकेंड ऑक्सैलिक एसिड, थर्ड लैक्टिक एसिड, फोर्थ एसिटिक एसिड। सेकेंड क्वेश्चन, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, ए बेसिक ऑक्साइड विच इज सॉल्युबल इन वाटर, सेकेंड ए बेसिक ऑक्साइड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, थर्ड ए वीक मिनरल एसिड्स, फोर्थ ए बेस विच इज नॉट एन एल्कली, फिफ्थ ए हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विच इज नॉट एन एसिड, एंड लास्ट क्वेश्चन, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट एन एसिडिक साल्ट, सेकेंड ए बेसिक साल्ट, थर्ड ए न्यूट्रल साल्ट। ओके, थैंक यू।